ओमिक्रॉन वायरस के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग सोलन हाई अलर्ट पर है। ये ओमिक्रॉन सोलन में दस्तक ना दे सके, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न टीमों को जिला में सक्रिय कर दिया गया है। आशा वर्कर और स्वास्थ्य कर्मियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग किसी भी तरह की ढील नहीं रखना चाहता है, इसलिए विदेशों से आने वाले नागरिकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। जो विदेश से नागरिक जिला सोलन पहुंच रहे हैं, उनकी सूची तैयार कर उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉक्टर राजन उप्पल ने दी। उन्होंने बताया कि अगर कोई नागरिक बाहरी देशों से भारत आता है तो पहले उसका आरटीपीसीआर टेस्ट एयरपोर्ट पर किया जा रहा है। अगर किसी में कोई कोरोना के लक्षण आते हैं तो उसे आइसोलेट किया जाता है, अन्यथा उन्हें अपने राज्य में जाने की अनुमति दी जाती है। उन्होंने बताया कि जिला सोलन में अब तक करीब 65 नागरिक विदेशों से आ चुके हैं, जिन पर स्वास्थ्य विभाग पैनी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा विदेश से आए नागरिकों को आइसोलेट कर दिया गया है, उन्हें आवश्यक टेस्ट करवाने की सलाह भी दी जा रही है। अगर हम बात करें जिला सोलन की, तो 65 के करीब लोग आ चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन इसके लिए पूर्णतः सतर्क है। इसमें कोई भी ढील नहीं बरती जा रही है। जो भी बाहर से लोग आते हैं उनका एयरपोर्ट पे आरटीपीसीआर टेस्ट कर दिया जाता है। अगर वो नेगेटिव हों तभी उनको घर आना अलाउड किया जाता है, अगर वो पॉजिटिव हों तो एयरपोर्ट पे ही उनको आइसोलेट कर दिया जाता है। फिर घर आने का मतलब ये नहीं है कि वो बाजार घूमेंगे, घर आने का है कि वो 7 दिन तक होम आइसोलेशन में वो रहेंगे और कोई सिम्टोमेटिक होता है या कुछ है उस हिसाब से उसका इलाज किया जाएगा, नहीं तो 8वें दिन उसका आरटीपीसीआर रिपीट किया जाएगा। अगर 8वें दिन आरटीपीसीआर उसका पॉजिटिव आता है तो फिर डिस्ट्रिक्ट वाले उसको हम आइसोलेशन में उसको ले लेंगे, और अगर नेगेटिव आता है तो 7 दिन तक फिर उसको घर ऑब्जर्व किया जाएगा कि कोई सिम्टम तो नहीं आ रहा। अगर 7 दिन तक कोई सिम्टम नहीं आता तब जाके उसको फ्री कर दिया जाएगा। हाँ, जो पॉजिटिव केसेस आएंगे उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा, वो हमारे उस हॉस्पिटल्स में या वहाँ पर ही रहेंगे, और साथ में जब तक वो उनका टेस्ट नेगेटिव नहीं हो जाता तब तक उनको फ्री नहीं किया जाए। उन्हें उनको हमारा आशा वर्कर टेलीफोन के थ्रू, प्रशासन के थ्रू सब मेथड्स लगे हुए हैं। नहीं, सतर्क रहने का ही मेथड है ये, कि इससे ये है कि वो अगर कोई इन्फेक्शन लेके आते हैं तो दूसरों को मत फैले, यही हमारा।